पहले मुमनाबाद के अंदर आए, फिर हरदा के अंदर, और अभी तो जो मामला आया है वो खास मुख्यमंत्री जी की विधानसभा का मामला है कि खाते गांव के एक व्यापारी ने नसरुल्लागंज और आसपास हरदा नसरुल्लागंज जो सभी जगह व्यापारियों वो बांटे चेक, और चेक बांट के सब फसलें लेके वो उड़नछू हो गया और लगभग करोड़ों रुपए का लेन देन बकाया रह के वो कहीं ना कहीं गायब हो चुका है। स्पष्ट रूप से जो काले कानून के जो रूप आने वाले हैं कि आगे भी इसी प्रकार से बड़ी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे कई लोग जो बीच में दलाली करेंगे, बिचौली गिरी करेंगे, वो फसल भी लेंगे, वो लोगों से कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे, और कहीं ना कहीं फसलों को लेने का जब टाइम आएगा या फिर फसलों को लेने के बाद जो पैसा देने का टाइम आएगा उसमें उनको गुलामी करा इस प्रदेश और देश से जो मंडियों को खत्म करने, क्योंकि मंडियों की व्यवस्था इसीलिए होती है, मंडियों में टैक्स इसीलिए लगाए जाते हैं कि पिछली बार हमारी सरकार में जब कुछ व्यापारियों ने पहले वहां से देवास के अंदर जो किसानों के पैसे नहीं दिए थे तो उसे मंडी टैक्सों से दिया गया था ताकि किसान की भी व्यवस्था रहे कि कहीं कोई गड़बड़ करके जाए तो उसको पैसा मिले। स्पष्ट है इस देश में जो काले कानून है उसके साइड इफेक्ट दिखने लग गए हैं और कहीं ना कहीं जनता के साथ जो धोखा करने का काम कर रहे हैं चंद चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए सरकार चल रही है। हमारा आग्रह है कि जनता की सुने, किसानों की सुने। जब किसान तैयार नहीं है कानून को लगाने के लिए तो क्यों हटे धर्मिता के साथ चंद चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए सरकार चल रही है। स्पष्ट